यूपी का मॉर्निंग एडिशन आप देख रहे हैं सुबह की 9 बजे की खबरों के साथ। मैं हूं आपके साथ गुंजन और मेरे साथ खबरों को बताने के लिए आपके साथ मौजूद हैं अवधेश। बिल्कुल, तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की और सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत की। अखिलेश यादव ने भाजपा हटाओ नारे पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने पलटवार कर दिया है और केशव मौर्य ने कहा कि अखिलेश को यूपी की जनता ने भगा दिया, इसलिए अब वो ऐसा कोई नारा ना लगाएं जो उनके लिए और नुकसानदेह साबित हो जाए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे थे। दर्शन के बाद केशव मौर्य ने बिहार के मौजूदा सियासी हाल पर कहा कि कोई भी उथल पुथल भाजपा को नहीं डिगा पाएगी और 2024 में मोदी जी की अगुवाई में ही सरकार बनेगी। वहीं अखिलेश पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं और उनके लिए वही ठीक रहेगा। कोई उथल पुथल उत्ताल लहर पत्ते न डिगाने पाएगी, अचानक चलाते जाएंगे। मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंडतम बहुमत की सरकार देश में आएगी। अखिलेश यादव एक नारा बिहार से दे रहे हैं बीजेपी लगाओ, उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें भगा दिया है। अगर वो यूपी में अब विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं करें, और नारे बहुत सारे हम लोग को भी आते हैं। तो देखिए सियासी नूरा कुश्ती जारी है। केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा है अखिलेश यादव पर। वाराणसी पहुंचे थे वो और इस दौरान उनसे सवाल किया गया कि बीजेपी भगाओ का नारा अखिलेश यादव दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जनता ने उनको पहले ही भगा दिया है। केशव मौर्य ने कहा कि अब वो ऐसा कोई नारा ना लगाएं जो उनके लिए नुकसानदेह साबित हो जाए। और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कोरोना संक्रमित हुई हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके जानकारी दी, उन्होंने लिखा कि मैं फिर से कोरोना संक्रमित हुई हैं, घर पर आइसोलेशन में हूं। और ये उनका जो ट्वीट आया है उसमें उन्होंने दोबारा कोविड पॉजिटिव होने की जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि मैं होम आइसोलेशन में हूँ और जो भी कोरोना के प्रोटोकॉल हैं उनका पालन कर रही हूँ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कोरोना से संक्रमित हो गई और इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है। उन्होंने लिखा कि मैं फिर से कोरोना पॉजिटिव हो गई हूं और होम आइसोलेशन में इस वक्त मौजूद हूं। प्रियंका ने लिखा कि मैं फिर से कोरोना संक्रमित हुई हूं और घर पर आइसोलेशन में हूं। तो ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि एक बार फिर से कोविड पॉजिटिव हो गई हूँ, घर में आइसोलेट रहूँगी और सभी प्रोटोकॉल का पालन करूँगी। और आज़ादी का अमृत महोत्सव पर सीएम योगी आज प्रदेश को कई सौगात देंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत प्रदेश को आज 150 नई बसों का तोहफा मिलेगा। दरअसल योगी सरकार सभी 75 बस स्टेशन के नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर करने जा रही है और इसके अलावा सभी 75 जिलों में दो दो नई बसें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर शुरू होंगी, जिन्हें आज मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये कार्यक्रम सुबह मुख्यमंत्री के सरकारी आवास 5 KD पर होगा। तो कई तोहफे मिलने वाले हैं, नई बसों की सौगात मिलेगी, 150 बसों की सौगात है और सभी बसों के नाम किसी न किसी स्वतंत्रता से संग्राम सेनानी के नाम पर रखे जाएंगे। तो इस उत्सव पर क्या सौगात मिलने वाली है आपको दिखाते। देखिए पहली सौगात यह है कि सीएम योगी 150 बसों की सौगात देंगे, मुख्यमंत्री आवास से ही वो हरी झंडी इन्हें दिखाएंगे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर प्रदेश के 75 बस स्टेशन का नाम रखा जाएगा। नई बसों के नाम भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर ही होंगे। बस अड्डों का शिलान्यास करेंगे सीएम योगी और इसके साथ ही साथ ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक सारथी हॉल का शुभारंभ होगा। तो ये पूरे तोहफे हैं और जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, जो अभूतपूर्व महोत्सव है, उसको यादगार बनाने के लिए लगातार कोई ना कोई कार्यक्रम चल रहा है। ऐसे में सड़क परिवहन से जुड़े बड़े तोहफे सीएम योगी देने जा रहे हैं और आज 150 बसों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। बिल्कुल, और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अनुभव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, बड़ी सौगात मिलने जा रही है 150 बसों की, किस तरीके की तैयारी है, कहां पर आप मौजूद हैं, पूरी जानकारी दें।
देखिए बिल्कुल बड़ी सौगात है और वो बसें भी तैयार है जिन्हें आज मुख्यमंत्री खुद हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये देखिए ये सारी नई बसें हैं और बिल्कुल इन्हें सजाया गया है फूलों से, झंडियों से, तिरंगा भी लगाया गया है क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव है। हर विभाग अपनी तरफ से कुछ न कुछ कार्यक्रम, कुछ योजनाएँ चला रहा है। इसी कड़ी में परिवहन विभाग ने ये जो 150 नई बसें हैं, यानी 75 जिले हैं, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है और इसीलिए हर एक ज़िले में 2 नई बसों को भेजने का ये फैसला लिया गया। ये सारी BS6 मॉडल की बसें हैं, यानी जिससे प्रदूषण बिल्कुल बहुत कम होगा या हम कहें कि होगा ही नहीं। इसीलिए ये नई बसें आज लॉन्च की जा रही हैं। हर एक ज़िले में 2 बस चलाई जाएगी और सभी बसों का नाम किसी न किसी उस ज़िले के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया, उनसे जुड़ा होगा। इसके अलावा जो हम कहें कि ये देखिए बस के भीतर हम आ गए, हम जरा बस दिखा दें अपने दर्शकों को कि किस तरीके से बेहतर परिवहन की जो सुविधा है वो उत्तर प्रदेश में अब जो यात्री है उनको मिलेगी। ये पूरी हम कहें तो BS6 बस है, इलेक्ट्रिक बस है, यानी सब कुछ, ये जो आप देख रहे हैं ड्राइविंग सीट, ये सारा कुछ इलेक्ट्रिक है, यानी कि बिल्कुल ये कंप्यूटराइज बेस्ड पूरी बस है। और बस के भीतर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, सीटें देखिए आप किस तरीके से, या गद्दीदार सीटें हैं, यानी अच्छी सीट है, क्वालिटी सीट है, लगेज रखने के लिए भी ये सुविधाएं दी गई हैं। और आप बस देखिए ऐसी कंजेस्टेड नहीं है कि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो या पैसेंजर बैठे तो बहुत दिक्कत हो। इसके अलावा कुछ जो बस अड्डे हैं उनका शिलान्यास भी है, जो साकेत हॉल बनाया गया है उसका भी आज उद्घाटन है। और इसके अलावा जो टेस्टिंग ट्रैक है, एक ड्राइविंग ट्रैक, उसकी भी अगर हम कहें तो व्यवस्था की गई। और जिसके जिसके लिए सीट अलॉट है वो बिल्कुल लिखा हुआ, जैसे ये सीनियर सिटीजन के लिए तो वो यहाँ पर बैठ सकते हैं, महिलाओं के लिए जो सीट है वो यहाँ पर लिखी हुई है आप देखिए। और जो सांसद हैं, विधायक हैं या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनकी भी सीट यहाँ पर रिजर्व है। इसके अलावा जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पर ये सीट रिजर्व है। तो बस फिर इस तरीके की बनाई गई, अलार्म सिस्टम भी है यहाँ पर, इमरजेंसी लाइट भी है, अलार्म भी है, अगर कहीं पर कोई दिक्कत आ जाए तो फिर ये जो अलार्म है वो बजेगा। और ये पूरी BS6 बस है, ये मुख्यमंत्री आवास के बिल्कुल, हम कहें तो जो आवास है उसके बिल्कुल बाहर ये सारी बसें एक लाइन से खड़ी हैं और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री इनको हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। देखिए लिखा भी है 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव। पूरी बस को इसी तरीके से सजाया गया है, फूलों से गुब्बारे भी लगाए गए हैं, तिरंगे भी लगाए गए हैं, यानी तैयारी है कि आज प्रदेश के जो लोग हैं उन्हें एक बड़ी सौगात परिवहन विभाग की तरफ से दी जा रही है। देखिए हम पूरी बसें अगर आपको दिखाएं, एक लाइन से ये सारी बसें खड़ी हैं, 5 KD से लेके 11 KD तक बसों की ही कतार हमें नज़र आ रही है। और ये सारी बसें थोड़ी देर में वो जो मुख्य स्टेज बनाया गया है बिल्कुल 5 KD के बाहर, वहीं मुख्यमंत्री आएंगे और वहीं से इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे अवधेश। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जैसा कि अनुभव ने बताया कि एक लंबी कतार है, 5 KD से 11 KD तक बसें ही बसें नज़र आ रही हैं और इनको थोड़ी देर में मुख्यमंत्री रवाना कर देंगे। और अनुभव सवाल ये भी है कि जैसा कि हर ज़िले को 2-2 बस मिलेंगी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर ये बसें होंगी, तो क्या नाम तय कर लिए गए हैं कि कौन सी बस किस नाम पर होगी या ज़िले में जाकर ये नाम तय होगा? देखिए नाम मंगाए थे क्योंकि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से 2 दिन पहले हमने बात की थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमने अधिकारियों से वहाँ उस जिले के जो प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया उनके नाम मंगाए हैं। अब हो सकता है कि किसी ज़िले से 4 नाम आए हों, 5 नाम आए हों, लेकिन यहाँ पर 2 ही नाम चूँकि बसों को देने हैं तो वो आज खुद हो सकता है मुख्यमंत्री घोषणा करें, क्योंकि जो 75 अलग अलग जो बस अड्डे हैं पूरे प्रदेश में उनके भी नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर रखे जाने हैं, तो वो भी प्रक्रिया थी, उसमें भी नाम मांगे गए थे। तो हो सकता है कि जब मुख्यमंत्री मंच पर आए तो उन नामों की घोषणा वो खुद करें। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीर है और अब इन बसों को थोड़ी देर में हरी झंडी दिखा दी जाएगी। शुक्रिया अनुभव आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। प्रदेश के मत्स्य पालन मंत्री डॉक्टर संजय निषाद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिला एवं सत्र न्यायालय गोरखपुर के CGM कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद MP MLA कोर्ट नंबर 2 गोरखपुर में भी समन जारी कर दिया गया है और ये समन संजय निषाद के घर पर चस्पा कर दिया गया। 3 दिन के भीतर उन्हें कोर्ट में हाजिर होना है, इससे संजय निषाद की मुश्किलें और बढ़ गई। तो संजय निषाद के आवास पर समन चस्पा कर दिया गया है
और एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से समन जारी हुआ है। यूपी के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट ने समन जारी किया है और उनके आवास पर यह समन चस्पा भी कर दिया गया है। 3 दिन के भीतर कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश संजय निषाद को दिया गया है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद आज गोरखपुर की सीजेएम कोर्ट में पेश होंगे। कोर्ट ने मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। संजय निषाद के खिलाफ 2015 में आंदोलन के एक मामले में यह गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। निषाद आंदोलन के वक्त हिंसा भड़क गई थी और उसमें एक शख्स की मौत भी हुई थी, जिसके बाद आंदोलनकारियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस हमले में कई लोग घायल हुए थे। मामले में संजय निषाद समेत 37 लोगों पर केस दर्ज हुआ था। उस समय अखिलेश यादव की सरकार थी। तो गोरखपुर कोर्ट में आज पेश होंगे संजय निषाद। सीजेएम कोर्ट की तरफ से गैर जमानती वारंट जारी हुआ था उनको। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद, तो आज उनके लिए बड़ा मुश्किल का दिन है। और जिस केस में वो पेश होंगे वो 7 साल पुराना केस है। निषाद आंदोलन के वक्त भड़की थी हिंसा, आंदोलन में एक व्यक्ति की मौत हुई थी, जिसके बाद आंदोलन उग्र हो गया था और आरोप ये लगे कि आंदोलनकारियों ने हमला कर दिया पुलिस पर। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। संजय निषाद समेत 37 लोगों पर केस दर्ज हुआ था। उस समय उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी और इसी मामले में गैर जमानती वारंट जारी हुआ है, तो आज वो कोर्ट में पेश होंगे। नोएडा पुलिस आज श्रीकांत त्यागी की रिमांड के लिए अर्जी दे सकती है। कल कोर्ट ने श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी खारिज करते हुए उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। वहीं यूपी के डीजीपी ने श्रीकांत त्यागी के खिलाफ सचिवालय का फर्जी पास बनवाने और गाड़ी के नंबर प्लेट पर उत्तर प्रदेश शासन का लोगो लगाने के मामले में भी मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद श्रीकांत त्यागी के खिलाफ जल्द ही कुछ और मामले भी दर्ज हो सकते हैं। तो सचिवालय का फर्जी पास बनवाने का केस भी दर्ज हो सकता है क्योंकि इसमें डीजीपी ने निर्देश जारी कर दिए हैं। गाड़ी की नंबर प्लेट पर यूपी शासन का जो लोगो लगाया गया है उसको लेकर भी कार्रवाई हो सकती है। श्रीकांत त्यागी को जेल के विशेष सुरक्षा में रखा गया है और आज पुलिस रिमांड की मांग भी कर सकती है कोर्ट के सामने जाकर। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है उसे जेसी की जुडिशियल कस्टडी रिमांड के लिए यहाँ लेकर आए संबंधित थाने की पुलिस, और उनकी जेसी पे हमारे द्वारा बहस की गई जो संबंधित धारा पुलिस के द्वारा लगाई गई हैं, क्योंकि वो धाराएं मेड आउट नहीं होती, जैसे 420 के सेक्शन और बहुत सारे सेक्शंस लगाए हैं। जैसे मेरे क्लाइंट के ऊपर गैंगस्टर की धारा लगाई गई है, एक व्यक्ति 2 दिन में ही गैंगस्टर का अपराध करते हैं, बहुत बड़ा गैंग चला लेता। इन चीज़ों को लेके हमने रिमांड रिफ्यूज करने की बाबत एक एप्लीकेशन अलग अलग सेक्शन अलग अलग जो हमारे क्राइम नंबर्स थे उनमें अलग अलग हम रिमांड रिफ्यूज की एप्लीकेशन लगाई, जिसमें कोर्ट ने आदेश अभी सुरक्षित रख लिया है और जो उनकी जेसी है उसे दे दिया गया है, वो जुडिशियल कस्टडी में वो वहाँ जा रहे हैं अपना लोक सर। सर, क्या रिमांड मांगा था नोएडा पुलिस ने? जुडिशियल कस्टडी रिमांड कोर्ट द्वारा दे दिया गया है। पुलिस कस्टडी रिमांड की जिसकी आप बात कर रहे हैं, पुलिस कस्टडी रिमांड अगर पुलिस द्वारा मांगा जाएगा आज की डेट में, क्योंकि अभी उनका केवल जुडिशियल कस्टडी रिमांड में बात हुई है, अगर वो मांगा जाएगा देखा जाएगा। अभी तक पुलिस द्वारा कोई जमानत याचिका के बाबत कल दाखिल की जाएंगी, क्योंकि आज रिमांड की बाबत हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र कोर्ट के सामने दाखिल किया गया। जैसे ही कल इस पर निर्णय हो जाएगा जमानत की तब आएगी भाई जी। पहले सबसे पहले होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई सेक्शंस मेरे ऊपर मेड आउट ही नहीं होते हैं तो मैं तो उसकी बात करूंगा पहले। जो सेक्शंस पुलिस द्वारा लगाए गए हैं, एक मामला मेरे खिलाफ हुआ, उसके बाद में 3-4 मामले और जो पुलिस द्वारा मेड आउट किए गए हैं उनकी बाबत हमारे द्वारा रिमांड रिफ्यूज के लिए लगाई गई थी, जिसमें कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रख लिया। कल जैसे ही निर्णय होगा उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। तो गालीबाज की गिरफ्तारी की टाइमलाइन अब आपको दिखा देते हैं। सुबह 9 बजे श्रीकांत की लोकेशन का पता चला। सुबह 9:30 बजे पुलिस ने मेरठ में डेरा डाल दिया और एसटीएफ ने सुबह 10:40 पर त्यागी को अपने शिकंजे में ले लिया। दोपहर 2 बजे पुलिस श्रीकांत को नोएडा लेकर आ गई, उससे पूछताछ हुई और शाम 5:30 बजे सूरजपुर कोर्ट में उसे पेश किया गया।
कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे भेज दिया है। इसके बाद बात करें तो दरअसल जो पूरा मामला शुरू हुआ था वो 5 अगस्त को शुरू हुआ। महिला से बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ। नोएडा के सेक्टर 93B के ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में बदसलूकी हो गई थी। 6 अगस्त को श्रीकांत के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और 8 अगस्त को नोएडा थाना फेज 2 के SHO को सस्पेंड किया गया क्योंकि उन पर गंभीर आरोप लगे कि उन्होंने कार्रवाई इस पूरे मामले में नहीं की, संरक्षण दिया श्रीकांत त्यागी को। पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे थे, सांसद भी मौके पर पहुंच गए थे, उन्होंने भी अल्टीमेटम दे दिया था। 8 अगस्त को श्रीकांत के अवैध निर्माण का पता चला तो 8 अगस्त को श्रीकांत पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया। बुलडोजर भी चला उसके अवैध निर्माण पर और 9 अगस्त को STF ने मेरठ से उसे गिरफ्तार कर लिया। इस बीच एक और बड़ी खबर है, अब अंसल ग्रुप के खिलाफ ईडी शिकंजा कसेगा। जल्द ही अंसल ग्रुप के निदेशकों से पूछताछ होगी। यूपी दिल्ली में अंसल ग्रुप पर कई मुकदमे दर्ज हैं। बायर्स से धोखाधड़ी कर करोड़ों हड़पने का आरोप है। कंपनी के मालिक सुशील अंसल, उनके बेटे प्रणव अंसल के अलावा हरीश गुल्ला अंसल लखनऊ के प्रोजेक्ट हेड अरुण मिश्रा से पूछताछ होगी। तो अंसल ग्रुप के खिलाफ ईडी शिकंजा कसेगा। जल्द ही अंसल ग्रुप के निदेशकों से पूछताछ होगी। यूपी दिल्ली में अंसल ग्रुप पर कई मुकदमे दर्ज हैं। बाहर से धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपए हड़पने का आरोप है। कंपनी के मालिक सुशील अंसल, उनके बेटे प्रणव अंसल के अलावा हरीश गुल्ला अंसल लखनऊ के प्रोजेक्ट हेड अरुण मिश्रा से पूछताछ होगी। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, अंसल ग्रुप के खिलाफ ईडी शिकंजा कसेगा। जल्द ही अंसल ग्रुप के निदेशकों से पूछताछ होगी। यूपी दिल्ली में अंसल ग्रुप पर कई मुकदमे दर्ज हैं और ये मुकदमे बायर्स के साथ धोखाधड़ी के हैं, करोड़ों रुपए हड़पने के हैं। और इस पूरे मामले में मालिक सुशील अंसल, उनके बेटे प्रणव अंसल के अलावा हरीश गुल्ला अंसल लखनऊ के प्रोजेक्ट हेड अरुण मिश्रा से पूछताछ होगी। दो दिवसीय दौरे पर दिल्ली जाएंगे योगी आदित्यनाथ। आज उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की फेयरवेल में शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे के बाद दिल्ली पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ। कल नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के गवर्नर भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। आपको बता दें, आज उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का फेयरवेल है क्योंकि कल तक ही उनका कार्यकाल है और कल शपथ ग्रहण होगा नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का। वही यूपी में उद्यमियों को लेकर सरकार की बड़ी पहल, उद्यमियों के लिए 30 सीटर कॉल सेंटर खोलेंगे MSME विभाग। उद्यमियों से संवाद कर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सारथी ऐप के अच्छे नतीजों के बाद MSME विभाग की ये पहल है, जहां कॉल सेंटर हर कार्य दिवस में सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेगा। तो उद्यमियों से संवाद कर समस्याओं का समाधान किया जाएगा, जिसके लिए कॉल सेंटर का जो समय है वो तय कर दिया है। अच्छे नतीजों के बाद MSME विभाग की ये सारथी ऐप के जरिए बड़ी पहल है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।